खाएगा, मगर आप ये भी सोचे कि जो लेके आते हैं ना उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनके मुंह में भी वही रखा हुआ होता है, रखा होता है। हम उनको यही समझा रहे होते हैं, कहते नहीं जी ये तो दूसरे उसका खाता था, मैं दूसरे उसका खा रहा हूँ। नहीं कहा कि आपकी मर्जी है, रिजल्ट इसका यही है। टाइम ज्यादा लेने का काम उसने यही करना है, लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। और रियली पता है डॉक्टर साहब, मैंने कुछ यहाँ पे जो है ना वो लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही थी, कुछ ऐसे पोस्टर वगैरह बना के भी लगा दी गई थी कि अगर मेन कोई गुटा वगैरह इस्तेमाल ना की जाए तो उसमें इतने माउथ ऐसा सच में अजीब अजीब की वो पूरा जो आपका ये साइड से साइड वो बिल्कुल खत्म हुआ हुआ है, अंदर से मुंह नहीं खुल पा रहे हैं। आपको पहले एक्सैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की, सबसे पहले मुंह खुलना कम होना शुरू हो जाता है, मुंह ज्यादा नहीं खुलता। अच्छा ये बहुत इतना हो जाता है कि बार सफा तो एक फिंगर या मुंह के अंदर नहीं रहता, इतना छोटा रह जाता है। और उसके बाद फिर ये होता है कि बार सफा जब ये बर्स उसमें जाती है चीज काफी एक्टिवेट कर जाती है, तो जब क्लीनिंग करते हैं तो बार सफा तो यहाँ से हमारा पूरा ओपन हो जाता है, मतलब उस पर चिकलता है, बिल्कुल। और स्लाइवा जो है तुझे बहुत सारी वजह यहाँ से आ रहा होता है, मतलब इतना ओपन होता है, मतलब पेशेंट इसको बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। ये जो आपने बात की थी वो माउथ बिल्कुल बंद हो जाते थे, वन फिंगर से नहीं तो वो खाना पीना वगैरह सब अक्सर से टंग भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है उसके, बल्कि वाजह पर तो इंसाइड से काटनी पड़ती है, हमें खत्म क्यों होती है, कैंसर जब फैल जाता है। एग्जैक्टली जब फैलता है वो सोच समझ के तो नहीं फैलता कि हमने किस चीज से बचना है, कि वो तो जब एग्रीवेट करता है तो वो करते 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 आपके नेक में पूरा आ जाता है, बिल्कुल खत्म। आप जिंदा रह के भी अगर चलो कैंसर को सामने, जिंदा रह के भी आप कुछ ना खा रहे हो ना पी रहे हो, आपने बिल्कुल एक ऐसी जिंदगी की क्या फायदा। बल्कि मैं तो उन लोगों से कहता हूँ जो बेचारे किसी ना वजह ना समझ की वजह से चीज में आ गए, तो दूसरों को ये चीज कन्वे करें कि प्लीज ये चीजें ना करो, क्योंकि वो जब बताएंगे तो शायद कुछ सामने वाला सुन लो। अभी भी जिन लोगों के मुंह में अगर इस तरह की चीजें मौजूद है तो सबसे पहले आप उसे जाकर, और हमारे आप ऑफिस में जाए कोई भी हो वो अगर मुंह में रख के आपके पास आता है तो आपकी इमेज बदलेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तो पहले से जॉब करने वाले अभी उनको बताते हैं, कॉलेज से बात करें उनके लिए। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम, कराची से डॉक्टर अनवर से ही बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज आपके पास एक डेंटल सर्जन आए हुए हैं जी। बिल्कुल। और डेंटल हाइजीन के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसकी जो प्राइम और जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और अर्बन एरियाज में तो फिर भी अवेयरनेस है, रिमोट एरियाज में और रूरल एरियाज में तो लोगों को पता ही नहीं कि डेंटल हाइजीन है क्या और इसकी कितनी अहमियत है और अफादियत है। और जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ इसके अंदर जो है मीडिया एक मेजर रोल प्ले करे, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि डेंटल हाइजीन कितनी जरूरी चीज है। जब तक हमारी डेंटल हाइजीन अच्छी नहीं होगी हमारी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक आदत बड़ी अजीब सी है कि वो वक्त बेवक्त हर वक्त खा रहे हैं। जब आप कोई चीज खाते हैं तो वो पार्टिकल्स जो है फूड के वो सब जमा हो जाते हैं आपके दांतों की स्पेसिस के दरमियान। तो एक तो चीज मेरा ख्याल जो बहुत जरूरी है वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग की तरफ लोग तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आपका जो टूथपेस्ट और ब्रश है वो आपकी क्लीन पूरा नहीं कर सकता, तो आप फ्लॉसिंग की। लेकिन बहुत अच्छी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी बात की कि अर्बन एरियाज में भी क्या हुआ है, वो रूरल एरियाज में बिल्कुल इसकी अवेयरनेस नहीं है। मगर देखिए होता ये है कि यहाँ पे जो बेसिक मेडिकल प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में वैसे ही नहीं है, चाहे हम मुंह को लेके जाएं या वैसे कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए तो पूरा एक सही, उन्होंने कहा कि मीडिया ही अच्छा रोल अदा कर सकता है कि वहाँ जाके, जैसा भी आपने देखा जब ये फ्लड आया हुआ था तो सारा मीडिया ही कवरेज दे रहा था, और ऐसी ऐसी जगहों पे गया, ऐसी ऐसी जगहों का पता चला जो लोगों को अपने नहीं आइडिया था कि वो हमारे गांव के आसपास की कोई ऐसी जगहें हैं। तो ये काम मीडिया कर सकता है, और मीडिया इसमें जाके लोगों को अवेयरनेस दे सकता है। फिर यहाँ पे एनजीओ हैं ये सारी जो उनको ब्रशेज और टूथपेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, ताकि उनके बच्चों में ये चीज आगे आए। स्कूल वगैरह में भी जाके कर सकते हैं, बच्चों को ये अवेयरनेस दी जाए, बच्चों को बताया जाए। सबसे पहले ये डेटा इनको कलेक्ट करना चाहिए कि प्रॉब्लम मेन क्या आ रही है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर दांतों में कीड़ा लगने की मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि गाँव में बच्चे जो होते हैं वो स्वीट्स खाते हैं, मगर वो ऐसी होती हैं बिल्कुल ही, मतलब क्या कह सकते हैं कि लो क्वालिटी की होती हैं, तो अब मिल तो उनको भी जाती है, ठीक है ना। पहले तो ये होता था कि चलो बच्चों को शायद वहाँ पे टॉफीज ना मिलती हो, कैंडीज ना मिलती हो, अगर आप उनको भी मिल जाती है उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर ये देखा जाए कि वो ये ट्रीट कैसे करवा लें, ठीक है ना। दांत में दर्द हो रहा है तो वो क्या कैसे निकलवा रहे हैं, कहाँ से निकलवा
करवा रहे हैं। बच्चों के पास एक फैसिलिटी ये है, ठीक है। अब होता है कि बाहर जगह वो ऐसी जगहों पे चले दांत निकलवाने के लिए, जो दांत तो निकल जाता है मगर उसके बाद दूसरी बीमारी को लग जाता है। ये पूरा एक चेन है जिसको अगर हम काम करना चाहें तो एक बहुत वास्ट एरिया है इसको कवर करने के लिए, और ये जो आपके ट्रांसमिट होती है उसको रोका जा सकता है। अच्छा, ये अभी जो आप बात कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से जरूर बात करूंगी। तो ये जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लोगों को देख सकते हैं कि जिनका हाल इतना बुरा हुआ, लेकिन अगर कभी आप ये सारी चीजें बंदे में भी देख लें ना जो ये आप खा रहे हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो सिर्फ बंदे में देख कर आप शायद वोमिट। आप सही कह रहे हैं सर जी। मैं तो आज तो हमारी कोशिश थी कि थोड़ी बहुत आपको अवेयरनेस दी जाए। इंशाल्लाह डॉक्टर सुभान को दोबारा हम बहुत जल्दी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ताकि आप लोगों को पता चल सके, जो आज नहीं सुन सके वो दोबारा सुन सके। अगर एक बार एक दफा से ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी नहीं तो तीसरी बार नहीं तो चौथी बार जरूर रखा होगा। हम कहते हैं ना कि उम्मीद में दुनिया कायम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुभान, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी मालूम आ रही है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ होंगी सारा खान।